हेलो जी जी बोलिए जी डॉक्टर साहब, वो दवाई हम ले रहे थे तो बीच में 6-7 महीना हो गया, प्रॉब्लम थी तो गैप हो गया हमारा। अच्छा जी, अच्छा बेसिकली आपको सेंसिटिव ग्लांस का प्रॉब्लम था ना? जी जी हाँ, वो दरअसल लगभग 18-20 साल की जो है मास्टरबेशन हिस्ट्री की वजह से वो आगे वाला हिस्सा जो है ना, तो बहुत मतलब उसको छूने से दर्द भी होता है, इसलिए क्या होता है कि वो प्रीमेच्योर एजुकुलेशन आता है। अच्छा अच्छा, तो हम जो मेडिसिन आपको इससे पहले दिए थे, इससे फायदा नहीं हुआ था आपको? नहीं, हमने ये मतलब ये वही 2 महीना लिया था तो थोड़ा सा लगा था, उसके बाद में हमने दोबारा वही हमने वो गलती से बोतल भी चेंज हो गई थी, मतलब जो नंबर मिले ना आपका, कम से कम 1 साल हो गया, छूट गया आपका ट्रीटमेंट। हाँ, इसीलिए वो प्रॉब्लम लगा वैसे ही हो गया, क्योंकि वो थोड़ा ही नहीं था, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम दवा भी नहीं ले पाए वो, तो इस वजह से। इसमें लगभग कितने दिन दवा लेना होगा? देखिए, सेंसिटिव ग्लांस का प्रॉब्लम जो है थोड़ा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है। तो जी, इसको छोड़कर आपको और कोई समस्या होता है आपको अभी? नहीं, यही प्रॉब्लम है कि मतलब वो जो है तो प्रीमैच्योर एजुकुलेशन हो जाता है, इस वजह से मतलब कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लगता है। एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाता है ना? हाँ। बाकी तो सब एकदम ओके, बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ, बाकी जैसे ये ठीक हो तो उसके बाद अगर कुछ लगता है तो फिर बाकी फिर कंसल्ट आपसे हम करेंगे। पहले एक प्रॉब्लम तो ठीक ही हो, तो उससे मालूम पड़ेगा कुछ अगर लगता है, फिलहाल तो नहीं कुछ और लगता हमको। ठीक जी। अच्छा, आपको पसीना ज्यादा आता है? हाँ, गर्मियों में बहुत आता है। अच्छा, ऐसा कुछ लगता है कि आपको पीछे से कोई देख रहा है, कोई पीछे से कोई आ रहा है, आपको डर मन में, इस प्रकार का कोई डर है? अच्छा, और फैमिली हिस्ट्री में किसी को अस्थमा दमा का प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, पूरी फैमिली में हमारे। अच्छा, और आपका बॉडी में कोई मस्सा, वाट ऐसा कुछ है? वाट नहीं, कहीं एक आधे भले इधर उधर हो, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं विशेष है। अच्छा, एक थोड़ा सा हाँ, एक आधा हाँ है, बाकी मैं चेहरे पे जैसे एक मस्सा है ब्लैक वाला जो नहीं होता है, उस तरह का एक है, और जेनिटल एरिया में एक जो है तो कहीं पे एक है जो है तो टेस्टिस की जगह पे, बाकी वाला ऐसे बाकी को वो नहीं की बीमारी टाइप में नहीं की, बहुत ज्यादा नहीं है। ऑनियन खाना पसंद है आपको? प्याज खाना पसंद है आपको? बहुत नहीं, पसंद था लेकिन अब छोड़ दिया, तो खाते नहीं है लगभग एक साल। पसंद था लेकिन छोड़ दिया ना? हाँ, लहसुन प्याज सब खाते थे लेकिन अब नहीं खाते। अच्छा, अच्छा, दूध पीने से प्रॉब्लम होता है आपको? दूध से प्रॉब्लम? दूध मिल्क से? जी जी नहीं, मिल्क पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होता है मिल्क पीने से, कोई प्रॉब्लम होता है आपको? ये जैसे पी लेंगे तो ब्लोटिंग टाइप भले इसे कुछ पेट वेट को थोड़ा बहुत नुकसान पड़ जाए। दूध से प्रॉब्लम होता है इसका मतलब? हाँ, चिकनाई विकनाई, इसीलिए हम घी भी सब नहीं खाते हैं। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा पाइल्स का प्रॉब्लम को रहता है ना, तो इस वजह से हम नहीं खाते हैं। पाइल्स का भी प्रॉब्लम आपको है? हाँ, रहता है तो इसलिए नहीं खाते, बाकी ये नॉर्मल खा लेते तो अपना सब सही रहता है मामला। अच्छा जी, आप हर रोज नहाते हैं ना? ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर रोज नहाते हैं? जी हाँ, नहाते रोज हैं। अच्छा, ऐसे आपको सर्दी जुकाम आपको आपको लग जाता है, हमेशा लग जाता है, ऐसा कुछ नोटिस किए हैं आपके? सर्दी जुकाम आपको हमेशा लग जाता है? हाँ, इन्फेक्शन अगर कोई किसी को हो, अगर आसपास जाएंगे तो हो जाएगा, थोड़ा केयर रखना पड़ता है हमको। अच्छा, फैमिली में किसी को ट्यूमर वगैरह कुछ हुआ था, या फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर हुआ था, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा,
कोई भूत प्रेत का साया है आपको ऊपर, ऐसा भी कुछ नहीं है ना? ऐसा भी कोई डर नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। ठीक। रात को पसीना आता है, ऐसा कुछ नोटिस किया है आपकी? रात को पसीना बहुत ज्यादा आता है आपको सोते वक्त? नहीं, गर्मी में आएगा, ऐसे जैसे गर्मी का मौसम पड़ेगा तो सोते के टाइम पे आएगा। हाँ, जैसे रजाई जी बहुत ओल्ड मौसम, जैसे थोड़ा कम है। पसंद है चाय पीना? नहीं, चाय पीना पसंद नहीं हमको। चाय पीने से कोई प्रॉब्लम होता है आपको? नहीं नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं होता है। नहीं नहीं, चाय पीने पेशाब में, पेशाब में दुर्गंध है बहुत ज्यादा। पेशाब में जी, पेशाब में आपका दुर्गंध बहुत ज्यादा है, ये तो नोटिस नहीं किया जो है तो। गुस्सा, गुस्सा बहुत ज्यादा आपको आता है? बहुत गुस्सा आता है आपको? हाँ, कंट्रोल रहता है लेकिन आ जाता है, ये सही है। आ जाता है गुस्सा फिर भी ज्यादा? हाँ, थोड़ा मतलब कंट्रोल रखना पड़ता है। अच्छा, दूध सहम नहीं होता आपने बताया ना, मिल्क सहम नहीं होता है? हाँ बिल्कुल पसंद हमको नहीं, अगर हम पिए तो हमें प्रॉब्लम, हम नहीं पीते नहीं, आपका झगड़ा होता है या कुछ कहीं सुनी कुछ बात हो जाता है तो उस इंसान से आप फ्यूचर में जो है बात नहीं करेंगे, एकदम जो है उनसे एकदम पूरी तरह जो है उनसे एकदम एकदम सब कुछ नाता तोड़ देंगे, इस प्रकार का आपका मेंटालिटी है या छोड़ो जो हुआ हुआ देखा जाएगा? नहीं, अगर हो जाता तो मतलब फिर उससे ठीक है, अलग रह जाओ, अलग हो जाओ, फिर सही, अलग हो जाए उसके बाद जो उसका उससे दोबारा कुछ मतलब नहीं, रिलेशन रखने को मतलब नहीं। ठीक ठीक है, मैं मेडिसिन आपका भेज रहा हूँ। ठीक है, इस बार मेडिसिन चेंज होगा, मैं मेडिसिन चेंज करके भेज रहा हूँ। अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिए, मेडिसिन खाइए, इस बार का मेडिसिन खाइए और एकदम इम्प्रूवमेंट हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, तो आपकी 6-7-8 महीना सबकी लगातार खाते रहेंगे, ट्रीटमेंट छोड़िएगा मत, ट्रीटमेंट अगर आप कंटिन्यू होते हैं तो अब तक ठीक हो गया होता प्रॉब्लम आपका। हाँ हाँ हाँ, काफी टाइम अगर तक सही हो जाता। जी जी हाँ, कुछ और फिर आगे फ्री मेडिसिन अपना पढ़ा लिया था। चलिए ठीक, थैंक यू सर। ओके ओके, और सर ये भी भेज दिया, कैसे लेना है उसको दवा? बोल देंगे। ठीक ठीक। दोस्तों, तो इस पेशेंट को जिससे मैंने अभी बात किया, इस पेशेंट को बेसिकली सेंसिटिव ग्लांस यानी हाइपर सेंसिटिव ग्लांस की प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम के लिए ये पेशेंट मेरे पास आज से 1 साल पहले कांटेक्ट किए थे, मगर कुछ कारणवश ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाए। एक बार मेडिसिन इनका गया था तो उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो अब फिर से वो ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाह रहे हैं। बेसिकली इनको सेंसिटिव ग्लांस की प्रॉब्लम है जिसके कारण से ये जल्दी जैकुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना? तो अब इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लास्ट टाइम मैंने इनको थुजा और सिन्नावेरिस प्रिस्क्राइब किया हुआ था जिससे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट इनको हुआ था, मगर ट्रीटमेंट छोड़ देने के कारण से वो इम्प्रूवमेंट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया। और इस बार मैं इस पेशेंट का पूरा केस टेकिंग करके मैं इस पेशेंट को एसिड नाइट्रिकम दूंगा, या नाइट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। एसिड नाइट्रिकम 200 का 2 डोज और 1 mm का 2 डोज दूंगा, फॉलोड बाई PLRS 0/1, 0/2 फॉर दी 2 मंथ। अब एसिड नाइट्रिक मैं क्यों प्रिस्क्राइब किया हूं इस पेशेंट को, इसका पीछे 3 कारण है। क्या कारण है? कारण नंबर 1, पेशेंट ने बताया ही हैज अ स्ट्रॉन्ग एवर्सन फॉर मिल्क, मिल्क इनको पसंद नहीं होता है, मिल्क से इनको प्रॉब्लम हो जाता है, डिसएग्री है मिल्क। सेकेंड, इन्होंने बताया कि किसी के साथ झगड़ा होता है, किसी के साथ कुछ बात हो जाता है जिससे वो डिसएग्री हो जाते हैं या झगड़ा हो जाता है किसी के साथ, तो उस व्यक्ति के साथ फ्यूचर में वो कोई नाता रखना नहीं चाहते हैं। ये एक हेडस्ट्रॉन्ग, बड़ा हेडस्ट्रॉन्ग सिम्टम है ये, ठीक है ना? तो ये सिम्टम भी एसिड नाइट्रिक में आ रहा है। और थर्ड सिम्टम जो है वो है इस पेशेंट का इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के भीतर एसिड नाइट्रिक का अच्छा रोल है, यानी मेडिसिन का जो पैथोलॉजी है वो भी सपोर्ट कर रहा है। थर्ड सिम्टम हमें ये भी देखना पड़ेगा। फोर्थ सिम्टम की अगर बात करें तो फोर्थ सिम्टम जो है, ऑन माय फाइन स्क्रूटनी जो मैंने अनुमान किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, वो ये है कि लास्ट टाइम पेशेंट ने मुझे बताया था कि इनका यूरिन में थोड़ा सा फाउल स्मेल होता है, थोड़ा सा यूरिन में थोड़ा सा बदबू होता है। हो सकता है इस बार मैंने पूछा पेशेंट को, पेशेंट ने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो लेकिन लास्ट टाइम जब बताया था पेशेंट आज से 1 साल पहले, तो मैंने नोट डाउन करके रखा था इस साल लास्ट ईयर, तो उस समय पेशेंट ने बताया था कि थोड़ा सा टॉयलेट में थोड़ा सा इनको थोड़ा सा फाउल स्मेल है, थोड़ा दुर्गंध है, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ भी इंडिकेट कर रहा है, नाइट्रिक एसिड का गुस्सा भी है,
जैसे कि किसी के साथ झगड़ा होता है तो उससे हम बात नहीं करेंगे, जिंदगी में उनका छाया स्पर्श नहीं करेंगे। ये नाइट्रिक एसिड है, हेडस्ट्रॉन्ग, डॉगमेटिक एटीट्यूड, तो ये नाइट्रिक एसिड है। जो फर्स्ट सिम्टम बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग एवर्सन फॉर मिल्क, ये भी है, बहुत सारे मेडिसिन है स्ट्रॉन्ग एवर्सन फॉर मिल्क। स्ट्रॉन्ग एवर्सन फॉर मिल्क कौन कौन सी मेडिसिन है? कैल्केरिया काप, कैल्केरिया सल्फ, चाइना, कोनियम मैक, मैगमूर, नाइट्रिक एसिड, सीपिया एंड सल्फर। तो इन मेडिसिन का भीतर स्ट्रॉन्ग एवर्सन फॉर मिल्क है। अब मैं आपको केंट रिपर्टरी में आपको दिखा दूंगा कि स्ट्रॉन्ग एवर्सन फॉर मिल्क के बारे में जो जो मेडिसिन मैंने बताया है वो मेडिसिन यहाँ केंट रिपर्टरी में स्ट्रॉन्ग एवर्सन फॉर मिल्क या मिल्क डिजैग्री या मिल्क एग्रेवेट्स में वो दिखा रहा है कि नहीं, वो रूब्रिक में है कि नहीं, मैं आपको वो चीज़ दिखा दूंगा। अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि जनरलिटीज का भीतर जिस मेडिसिन का मैंने जिक्र किया नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक, उस मेडिसिन में स्ट्रॉन्ग एवर्सन फॉर मिल्क है कि नहीं। ये देखिए जनरलिटीज, मिल्क एग्रेवेट्स, ठीक है ना, यहाँ पे एसिड नाइट्रिक है कि नहीं ये देख लीजिए, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। बाकी मेडिसिन का भी जो नाम बताया मैंने वो मेडिसिन भी अवेलेबल है फर्स्ट ग्रेड में, वो भी मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो मेडिसिन है जो जिसका सिलेक्शन हम किए हैं नाइट्रिक एसिड, वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, एसिड नाइट्रिक। अब मैं आप लोगों को पेशेंट का सेकंड सिम्टम दिखाना चाहूँगा। जो पेशेंट ने मुझे बताया कि किसी के साथ झगड़ा होता है तो उस व्यक्ति से फिर वो कोई नाता रखना पसंद नहीं करते, इसको देखने के लिए हमें आना पड़ेगा माइंड, माइंड के नीचे सेंसिटिव जो है ये हमारा रूब्रिक है, ठीक है। अब सेंसिटिव के अंडर बहुत सारे मेडिसिन दिया गया है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा हमारा मेडिसिन जो हम सिलेक्शन किए हैं एसिड नाइट्रिक वो है कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल है, ये देख सकते हैं आप, नाइट्रिक एसिड तो हमारा मेडिसिन है यहाँ पे, और वो भी फर्स्ट ग्रेड में है, ठीक है ना। जितने भी मेडिसिन आप ब्लैक ब्लैक में देख रहे हैं मोटी मोटी करके लिखा हुआ है, ये सब फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है, यानी इसका प्रूविंग अच्छी तरह से हुआ है इस सिम्टम का बेसिस पे, और ये अच्छी तरह से काम करेगी, ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है ये सब। इसके अलावा जो थर्ड सिम्टम है वो मैं खुद डिटरमाइन करके, खुद मेरा सिक्स सेंस से पता किया है, खुद मेरा एक्यूमेनिक पावर से मैंने पता किया है कि एसिड नाइट्रिक जो मेडिसिन है इसका स्पेयर ऑफ एक्शन ग्लांस पे अच्छा है, इसका रोल अच्छा है ग्लांस पे, तो और सोने पे सुहागा हो गया। जिस मेडिसिन का सिलेक्शन किया है उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर भी इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है, तब तो ये काम करेगा ही करेगा। तो ये थर्ड सिम्टम हो गया, और कुछ ही महीना ट्रीटमेंट करने से मुझे लगता है कि इस पेशेंट का प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मैं पेशेंट का फॉलोअप जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा, हालांकि सेंसिटिव ग्लांस के केस में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होता है, इतना फास्ट इंप्रूवमेंट नहीं होता है, लेकिन पूरी तरह ठीक जरूर हो जाएगा, ये मेरा भरोसा है, मेरा बिलीव है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।